आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को उसके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया और ये गिरफ्तारी तब हुई जब वित्तीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बुधवार को सुबह से नॉर्थ एवेन्यू इलाके में उनके आवास पर तलाशी ली। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार होने वाले संजय सिंह आम आदमी पार्टी के तीसरे बड़े नेता हैं। मनीष सिसोदिया को फरवरी में सीबीआई और मार्च में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में 4 आरोप पत्र दायर किए, इसमें संजय सिंह के नाम का भी उल्लेख किया गया है। आप सांसद संजय सिंह को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में ईडी अदालत को बताएगी कि पूछताछ के दौरान संजय सिंह ने सहयोग नहीं किया, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया। ईडी संजय सिंह की रिमांड की मांग करेगी। ईडी के पास एक लंबे सवालों की फेरिस्त है जिनके जवाब संजय सिंह से लिए जाने हैं। उन्हीं सवालों का हवाला देकर ईडी रिमांड की मांग करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाला मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार को घेरा। आपके सांसद संजय सिंह के खिलाफ ईडी के एक्शन को अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घबराहट बताया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर शराब घोटाले का आरोप लगा है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी ऑफिस के सामने आप नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। नहीं हुआ, उन्होंने अपना सुबह आके पूरा जांच उच किया, पूरा पूरे कमरे अलमारी सारी चीजें के छानबीन किया है उन्होंने, और फिर इसके बाद उनको कुछ नहीं मिला है। प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी यही सजा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए, और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है, और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं, तो सत्य के जीत है उनके साथ। हम कुछ सीज भी किया है, कुछ दस्तावेज मिले हैं, क्या कुछ लेकर? कोई दस्तावेज नहीं किया है, उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पथल कर रखा है, और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। आधार आप लोग को पता है, सच्चाई के बोलने के लिए और अडानी अम्बानी के लिए बोलने के लिए तो ऊपर से प्रेशर पड़ा है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार किया है। ईडी के पूछ क्या रहे थे, सवालात कुछ नहीं किया उन्होंने, थोड़ा बहुत जो भी पूछा है और नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोग का एक मनगढ़ंत षड्यंत्र था, उन्होंने जो षड्यंत्र किया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पति बहादुर हैं, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, और वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, हम उनके साथ हैं, हमारा परिवार उनके साथ है, और देखते हैं आगे क्या। उन्होंने कहा कि तुम एक बहादुर पति की पत्नी हो, तो इसलिए तुमको बहादुर से काम करना है और परिवार को देखना है, सत्य की लड़ाई में तुम्हारा पति आगे गया है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सत्य की जीत होगी, असत्य का नाश होगा, ये हमारी शुभकामना है उनको। भारतीय जनता पार्टी को अब ये पता है कि वो आने वाले जो राज्य के चुनाव हैं और जो उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं वो हारने वाले हैं, इसलिए जो भी उनका विरोध करता है, जो भी विपक्ष में है, जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है, उसको जेल में बंद करने की कोशिश करता है। कल हमने देखा किस प्रकार वरिष्ठ पत्रकारों के घर में रेड हुई, उनके फोन ले लिए, उनके लैपटॉप ले लिए, उनको दिन भर डिटेन किया। कल शाम को हमने देखा कि किस तरह से टीएमसी के एमपीज को घसीट कर कृषि भवन से बाहर निकाला पुलिस ने, और आज संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तो विपक्ष को ये चुप कराने की कोशिश है, विपक्ष को ये डराने की कोशिश है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि हम आपकी इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे, आप चाहे जितने नेताओं को चाहिए। 15 महीने से ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 500 से ज़्यादा अफसर इस इन्वेस्टिगेशन में ईडी सीबीआई के लगे हुए हैं, एक रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत तो देश के सामने रख नहीं पाए हैं। क्या बात कर रहे हैं कि कितना अमाउंट है, क्या अमाउंट है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल विच हंट है, अपने खिलाफ बोलने वालों को चुप कराने की साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अब आपके अंत की शुरुआत हो चुकी है, आने वाले राज्य चुनावों में भी और आने वाले लोकसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है।